गाइज, राजस्थान एक परिचय में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चर्चाएं की थी राजस्थान एक परिचय में लेकर के, प्रारंभ की स्थिति को लेकर और एकीकरण को लेकर के डिस्कस किया था। और आज हम लोग राजस्थान के भौतिक विभाजन से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जितना टाइम हमको मिलता है वहां तक बढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जिन एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए और हमारे लाइव जब भी हम लोग आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको गेन हो सके, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और एक बात और, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए काम का है और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और निजी स्वार्थों से ऊपर उठें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एस्पायरेंट्स अपियर हो रहे हैं एग्जाम्स में वो इसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन को लेकर के। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि आप लोगों के डिमांड पर मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिएगा, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन में। सबसे पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, तो अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल 61.11% है। याद कर लीजिएगा, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो कितना है, 61.11%, 61.11। और यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग 40% करती है, ठीक है गाइज। और बात की जाए तो देखिएगा, 13 जिले जो हैं उनमें से 12 जिले, यानी कि 13 जिले जो हैं इसमें, यानी कि इस बात की बात करें, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वर्ड जो है वो फ्रांस से लिया गया, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट वर्ड से लिया गया, राइट, ये भी याद रखना। तो 13 जिलों में से 12 जो जिले हैं उनमें से एक सिरोही को छोड़ देते हैं। किसको? सिरोही को छोड़ करके मरुस्थलीय जिले हैं। क्या है? मरुस्थलीय जिले हैं, ठीक है। एक एक बात हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, इसलिए वीडियो को वॉच अच्छे से करें और साथ ही लिखते भी रहें, अपना नोट पेन और जो नोटबुक और पेन साथ में रखें, राइट गाइज। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो है वो टैथीज सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? टैथीज सागर का अवशेष माना जाता है, ये बात भी नोट कर लें। यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु कैसी है? शुष्क है। यहाँ की जलवायु कैसी है गैर? शुष्क है। और यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो रेतीली बलुई है। कौन सी है? रेतीली बलुई, यानी कि रेतीली है, बालू जिसको बोलते हैं ना अपन, तो रेतीली बलुई मिट्टी है। तो जलवायु शुष्क है पूछा जाता है सवाल, और मिट्टी रेतीली बलुई है। यहाँ का तापमान की बात करें तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और औसिक, यानी कि औसत वार्षिक तापांतर की बात करें, यानी कि औसत वार्षिक तापांतर की बात करें तो वो होता है यहाँ का 22 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखने ना, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और वर्षा अगर हम लोग एवरेज बात करें तो 20 से 50 cm वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर एवरेज जो हम लोग यहाँ बता रहे हैं, तो ये देखिएगा। और अगर ऊंचाई की बात करें, यहाँ की जो ज्यादातर ऊंचाई पाई जाती है वो 200 से 300 मीटर पाई जाती है, और औसत ऊंचाई 150 मीटर है। अगर एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो 150 मीटर पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बात करें तो खेजड़ा, बबूल, केर, वैर इत्यादि होते हैं। कौन कौन से? खेजड़ा हुआ, बबूल, केर इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि देखेगा, सब हमने पहले से लिख दिया मरुस्थलीय प्रदेश, तो मरुस्थल में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? खेजड़ी हुआ, बेर हुआ, बबूल हुआ, ठीक है, इत्यादि। और यहाँ की फसल, फसल कैसी होगी? जिसमें बाजरा हो गया, इसके अलावा हम मोठ को ले सकते हैं, गवार ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो कौन कौन से हो गए? जैसे बाजरा हो गया, मोठ हो गया, गवार हो गया, ठीक है। और जीरोफाइट्स वनस्पतियां देखेगा, ईश्वरी प्रसाद ने, कौन? ईश्वरी जो प्रसाद है उन्होंने इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा है। कौन सा? रुक्ष क्षेत्र कहा है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने, यानी कि ईश्वरी प्रसाद जो है उन्होंने इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र के नाम से पुकारा है, राइट गाइस। और बात करें तो जो संपूर्ण थार मरुस्थल बना हुआ है, इनकी जो थार का मरुस्थल बना हुआ है, जो पूरा थार का मरुस्थल है, उसका 62% राजस्थान में है। 62% किस में है? राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 62% पार्ट जो है वो राजस्थान में है। किसका? थार मरुस्थल का, राइट। फिर बात करें इसे,
थली या शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं, और किस नाम से जाना जाता है इसको? थली या शुष्क बालू के मैदान के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं तो 25 cm की सम वर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। फिर से सुन लीजिएगा, 25 cm की जो सम वर्षा होती है वो इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार, राइट। अब देखिएगा, बात करें तो अभी हमने बात की थी कि 25 cm की जो सम वर्षा होती है वो दो भागों में डिवाइड करती है, और जो दो भाग कौन से बनते हैं वो देखिएगा, एक शुष्क मरुस्थलीय भाग और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग बनता है, ठीक है। ये जो शुष्क मरुस्थलीय भाग बन रहा है इसके भी दो भाग हमने कर दिए, यानी कि ये भी दो भागों में हम लोग इसको ले सकते हैं। एक बालू का स्तूप युक्त ले सकते हैं और एक बालू का स्तूप मुक्त ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे पवनानुवर्ती या रेखीय, नोट डाउन करते रहो, पवनानुवर्ती या रेखीय, जिसमें हम लोग जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ या बाड़मेर हुआ, ये इनको लेते हैं। एक होता है बरखान, नाम सुना होगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया बरखान को लेकर के सवाल पूछा गया बरखान। तो बरखान या अर्धचंद्राकार, बरखान या अर्धचंद्राकार की बात करें तो ये चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, लूणकरनसर, सूरतगढ़, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, लूणकरनसर, सूरतगढ़। और यहां अगर हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ की, तो इसमें बीकानेर, दक्षिण गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। और पवनों की जो दिशा होती है अनुप्रस्थ में वो कौन से होती है? समकोण पर होती है। नोट डाउन कर लो कि अनुप्रस्थ में पवनों की दिशा समकोण पर होती है। तारा बालू का स्तूप सवाल पूछा जा चुका है, इसका निर्माण अनियमित वाडी एवं सैसिस्ट के क्षेत्र में होता है। एक पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। अब बात करें तो अर्ध शुष्क के मरुस्थल प्रदेश की बात करें तो इसमें बरसात जो होती है 25 से 50, माफी चाहता हूं, 25 से 50 cm है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर। ये सीएम अपने वाला वो सीएम नहीं है, चीफ मिनिस्टर वाला है, सीएम सेंटीमीटर यहाँ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसको चार भागों में बांट सकते हैं अपन लोग। इसके कितने भाग कर सकते हैं? चार भागों में बांट सकते हैं, जिसमें घग्गर का मैदान कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, घग्गर का मैदान, ठीक है, घग्गर का मैदान। दूसरा हम लोग इसको कर सकते हैं लूनी बेसिन, सवाल पूछा जाता है लूनी बेसिन, क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे वो पॉइंट पॉइंट पर ही करेंगे डायरेक्टली। तो देखिएगा, चार भागों में बांटा है, घग्गर का मैदान, दूसरा अपन ने ले लिया लूनी बेसिन, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, कौन सा है तीसरा? नागौरी उच्च भूमि को ले लिया अपन ने, नागौरी उच्च भूमि, और जो हम लोग चौथा ले रहे हैं वो शेकावटी प्रदेश, यानी कि शेकावटी प्रदेश, शेकावटी प्रदेश। तो चार भागों में बांटा, किसको बांटा अपन ने? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को चार भागों में बांटा, और जो हमारा शुष्क मरुस्थल था उसको अपन ने दो भागों में बांटा था, ठीक है। इसमें हमारे घग्गर के मैदान आ गया, लूनी बेसिन आ गया, नागौरी उच्च भूमि आ गई, और शेखावाटी प्रदेश होगी, चार भागों में बांट सकते हैं इसको। आप देखिएगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन से हैं? 56 की पहाड़ियां, कहां पर? बाड़मेर में है। जैसलमेर का चट्टानी भाग जो है वो पोकरण और फलोदी माना जाता है, नोट डाउन करते रहिएगा, फिर से बोल देता हूँ, 56 की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर, जैसलमेर का जो चट्टानी भाग है वो पोकरण और फलोदी माना जाता है। लोहागढ़, लोहागढ़ कहाँ है सवाल पूछा गया है आरपीएससी में, सीकर, यानी कि आरपीएससी के अलग अलग तरह के एग्जाम्स कंडक्ट होती रहती है, तो लोहागढ़ के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। तो लोहागढ़ जो है वो कहाँ पर? सीकर में। और हर्ष की पहाड़ियों को लेकर तो लमसम लमसम सवाल पूछा जाता है, तो हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये सीकर में है। तो यहां पर हम लोग वालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा 56 की पहाड़ियां, जैसलमेर का चट्टानी भाग, लोहागढ़ और हर्ष की पहाड़ियां, ये चार हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क, लाठी सीरीज कहाँ है? लाठी सीरीज को लेकर के भी सवाल पूछा गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेन मेन इंपॉर्टेंट उन्हीं ही पॉइंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो लगभग लगभग एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक, लाठी सीरीज कौन सा है सवाल पूछा जाता है, लाठी सीरीज जो है वो कहाँ से है? पोखरण,
से, और पोखरण से कहां तक है भाई ये, मोहनगढ़ तक, ठीक है। फिर इसके बाद में एक आता है धामण, घास आती है, ठीक है। ये जो घास आती है ये क्या काम आती है, सवाल पूछा जाता है, तो घाव भरने के लिए आती है। घामन घाव किसके काम आती है, घाव भरने के। फिर सेवन, सेवन सेवन जो है वो खाने में काम में आती है, और गोडावन की प्रजनन स्थली भी मानी जाती है, ठीक है। और चांदन नलकूप क्या है, चांदन नलकूप के बारे में सवाल पूछा गया था, तो चांदन नलकूप क्या है, तो चांदन नलकूप के बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग। चांदन, इसे थार का घड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थार का घड़ा के नाम से किसको जाना जाता है, पूछ लिया जाता है। सम तहसील में है ये, कहां पर है, सम तहसील में है। और यहां बात करें तो आगोर जो है वो जल के टाके, यानी कि आगोर जल के टाके हैं, आगोर जल के टाकों को कहते हैं, जल के टाके। पलाया, पलाया क्या होती है, सवाल पूछा जा चुका है, तो पलाया जो होती है खारे पानी की बड़ी झील, क्या होती है, खारे पानी की जो बड़े झील हैं उनको खारे पानी की बड़ी झील। छोटे छोटे वर्ड है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस घूम करके आते रहते हैं। और पलाया जो है खारे पानी की बड़ी झील को, और पोखर क्या होता है, मीठे पानी की झील, और रन या टाट, सवाल पूछा जा चुका है कि रन या टाट, तो लवणीय दलदली जो झील होती है उसको रन या टाट के नाम से जाना जाता है, सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो रन या टाट किसे कहते हैं, तो रन या टाट, तो रन या टाट की बात करें तो क्या होता है, लवणीय दलदली जो झील होती है उसको जाना जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक दो सवाल और कर लेते हैं कि ताल छापर कहां पर है, अगर आपका आंसर चुरू है तो एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ताल छापर कहां पर है, चूरू में, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताल छापर चूरू। पनिहारी कहां पर है, पनिहारी ये भी चूरू, पनिहारी और ताल छापर, सवाल पूछा जा चुका है इसके बारे में, ताल छापर को लेकर के, ये दोनों चूरू के अंदर है, किसमें है, चूरू में, ठीक है गैज। इसके अलावा फलोदी, फलोदी कहां पर है, जोधपुर में, फलोदी कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भाकरी, भाकरी भाकरी कहां पर है, जैसलमेर में, भाकरी कहां पर है, जैसलमेर में है, और पोकरण ये भी जैसलमेर में है, और वाप, वाप कहां पर है, तो ये आपके लिए नया नाम हो सकता है शायद, मगर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए नया नाम नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से फर्स्ट टाइम अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो जो वाप है वो जोधपुर में, कहाँ, जोधपुर। और इसके अलावा एक और नाम है थौ, थौ जो है वो किसमें है, बाड़मेर में, थौ कहाँ है, बाड़मेर में, ठीक है गाइस। राजस्थान का मरु जिला कौन सा जिला कहलाता है, ये छोटा सा सवाल है, और राजस्थान का जो मरु जिला है वो बाड़मेर को कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, मरु जिला, तो मरु जिला के नाम से कौन सा जाना जाता है, बाड़मेर, ठीक है गाइस। एक और छोटी सी बात है वो भी अपन लोग पढ़ ही लेते हैं, क्या पता एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाए। वालसन क्या है, वालसन, वालसन क्या होता है, तो वालसन जो है वो क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ मध्य भाग जहां जल इकट्ठा होकर झील बनी हो, फिर से सुन लीजिएगा, पर्वतों से घिरा हुआ मध्य भाग, किससे घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ मध्य भाग जहां जल इकट्ठा होकर झील बनी हो उसे वालसन के नाम से जानते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, वालसन क्या होता है कि जहां पर पर्वतों से घिरा हुआ मध्य भाग जहां पर जल इकट्ठा होता है और जल इकट्ठा होने से झील का निर्माण हुआ हो या झील बनी हो उसे वालसन के नाम से जाना जाता है, राइट गाइज। और एक और चीज है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइज, एक होता है गाइज मरहो, मर हो, तो देखिएगा पोखर,
पोखर तो जानते हो, तो पोखर जो होता है उसके सूखने से बने उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं? मरहो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे क्या है उस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल में हमने देखा था घर घर का मैदान, शेखावटी, नागोरी उच्च भूमि और लोनी बेसिन। तो घग्गर का जो मैदान है, ठीक है, उसमें बात करें तो नाली वग्गी उत्तरी पूर्वी उपजाऊ क्षेत्र है। शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में जो क्षेत्र आता है ज्यादातर सीकर चूरू झुंझुनू आता है। अब यहां पर एक जोहड़ या नाड़ा होते हैं कच्चे कुए, वीड, घास के मैदान को या वीड के नाम से जाना जाता है। वीड, क्या नाम जाता है? वीड। किसको कहा जाता है? घास के मैदान को किसके नाम से जाना जाता है? वीड के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे वर्ड है मगर याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। और बात करें तो यहां की जो नदी है वो एकमात्र नदी है, और वो जो इसका है एक केवल एक नदी है, कौन सी? कांतली। कौन सी है? कांतली नदी है। इस लिख लीजिएगा, केवल एकमात्र नदी यानी कि कौन सी है? कांतली। किसकी बात करें? शेखावाटी वाले की बात करें क्षेत्र की, तो ये कांतली नदी है और इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी में है। बहाव क्षेत्र कहाँ है? तोरावाटी में। सवाल पूछा जा चुका है, तो नदी का नाम कांतली है और बहाव क्षेत्र कौन सा रहा? तोरावाटी। और बात करें तो चूरू जो है सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा जिला, तापांतर की बात करें तो सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा जिला तापांतर के बात करें तो चूरू माना जाता है। आप बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की, तो यहां पर मिट्टी की NaCl की मात्रा ज्यादा है, बंजर ज्यादा भूमि है, यहाँ की रेतीली भूमि ज्यादा है, याद रख लीजिएगा। और ऊंचाई की बात करें तो 300 से 500 मीटर की है। और सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ पर है? नागौरी उच्च भूमि, जिसको हमने पार्ट में चार भागों में डिवाइड किया अर्ध शुष्क मरुस्थल में। तो सबसे ज्यादा जो झीलें हैं खारे पानी की इसी में पाई जाती है, जैसे सांबर है, डीडवाना हुआ, कुचामन हुआ। एक कुंवर पट्टी और है नागौर अजमेर, सवाल पूछा जा चुका है। कुंवर पट्टी कौन सी वाली है? नागौर अजमेर वाली। और यहां पर देखिएगा, एक फ्लोरेसिस नामक रोग होता है, दांतों के पीले हो जाना, कुबड़ हो जाना, वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पानी के अंदर जो फ्लोराइड इत्यादि की मात्रा ज्यादा से। एक बांका पट्टी और है, बांका पट्टी वो क्या है? बांका पट्टी क्या है? तो देखिएगा, डेगाना। डेगाना कहाँ पर है? नागौर में। तो क्षेत्र में गच्चीपुरा से मखराना की में ये फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान में फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक जिला अगर माना जाता है तो कौन सा है? नागौर है। और इनमें गांव की बात करें तो आसखा गांव है, मकरासा तहसील नागौर, ठीक है, मकराना तहसील में आ गया ये नागौर में। और गोडावर प्रदेश, लूनी प्रदेश, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर वाला है। 56 की पहाड़ियां, सिवाना का पठार की बात करें तो ये बाड़मेर के अंदर, जैसे मोकलसर, ठीक है। अब बात करते हैं अरावली के विभिन्न उपनाम। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आप पढ़ते हैं अरावली को, यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को लेकर के हम चर्चाएं करते हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल जो फैला हुआ है वो 9% है, और जनसंख्या जो निवास करती है वो 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और बात करें तो अरावली जो ये क्षेत्र बना हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र बना हुआ है, ये यूं कहें अरावली के अलग अलग नाम हैं, उपनाम जिसे हम लोग कहते हैं। तो अलग अलग नाम कैसे हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला नाम है परिपत्र। क्या नाम है? परिपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र के नाम से जाना जाता है। किसमें? विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला है अड्डावट्टा। अड्डावट्टा की बात करें तो उदयपुर में इस अरावली का नाम है, वहां पर इसको ये नाम से जानते हैं। आडा वाला यानी कि बूंदी के अंदर इसको आडा वाला के नाम से जानते हैं। और आबो गुलाब, सिरोही के अंदर इसको आबो गुलाब के नाम से जाना जाता है। मालानी, सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये जालोर में इसको नाम से, इस नाम से जाना जाता है। और बात करें माल खेत की पहाड़ियां, ये भी सवाल पूछा जा चुका है सीकर के अंदर। क्या? सीकर के अंदर। और सूंडा की पहाड़ियां, भीनमाल, और भीनमाल कहाँ है? जालौर में। तो भीनमाल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो देखिएगा, अरावली को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। और बात करें तो हिंदू ओलंपस, जेम्स टोड ने आबू पर्वत जो बना हुआ है अपना, उस जो आबू पर्वत बना हुआ है उसको जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा है। लिख लीजिएगा कि जेम्स टोड ने, किसने? जेम्स टोड ने
टोडने आबू पर्वत को। हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा है। ठीक है गैज, यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं तो अरावली को लेकर के डिस्कस करें तो देखिएगा इसकी कुल लंबाई की बात करें, यानी कि जो टोटल इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। सवाल पूछा जा चुका है तो 692 यानी कि 692 किलोमीटर जो है ये इसकी कुल लंबाई है। अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर है। कितना है? 550 किलोमीटर। तो कहने का मतलब 80% ये जो है अरावली जो है वो 80% 80% भाग जो है वो कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है अरावली का। तो कहने का मतलब एक तरफ से लगभग लगभग ये राजस्थान में ही है। बात करें तो राजस्थान में कहां से प्रारंभ कहां तक चलती है, तो ये खेड बोहाना सिरोही के अंदर है, वहां से चलती है, और खेतड़ी, ये खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है, वहां तक ही फैली हुई है। ठीक है, तो एक ही सवाल था, उसमें तीन बातें हमने निकालने की कोशिश की है। फिर अरावली के महत्व की बात करें कि इंपोर्टेंसी जो है अरावली के जो है उसकी पर्वतीय प्रदेश की, तो अरावली पहाड़ी क्या है? तो एक तो राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में बांटती है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तीन चार अल्टरनेट दे देते हैं और उनमें से पूछते हैं कि कौन सा अरावली पहाड़ियों से संबंधित सही नहीं है, या कौन सा इनसे मैच नहीं खा रहा है, या कौन से तथ्य सत्य को साबित करते हैं। तो दो भागों में विभाजित करता है, महान जल विभाजक रेखा का भाग है ये, और मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में सहायक है, और बंगाल की खाड़ी से जो आने वाला मानसून होता है उसको रोकने में भी सहायक है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी है? काली, भूरी, लाल और कंकरीली है। कैसी है? काली, भूरी, लाल और कंकरी। तो काली लाल यानी कि लाल और काली दो तो ये याद रख लो, एक भूरी भी है और एक कंकरीली है। कंकरी तो देखते होंगे आप लोग, तो कंकर मिट्टी वगैरह कंकर वगैरह रहते हैं। मुख्य फसल की बात करें तो मक्का मानी गई है, और औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी गई है। अरावली के भाग की बात करते हैं तो एक उत्तरी अरावली है, यानी कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, और इसका विस्तार जो है वो 13 जिलों में है। कितने जिलों में? 13 जिलों में माना गया है। जैसे बात करते हैं तो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, सीकर, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, ये तो 13 जिले हो गए। किंतु सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। तो सबसे ज्यादा तो कहाँ है? उदयपुर में फैली हुई है ये। और सबसे कम विस्तार की बात करें तो अजमेर में है। तो कम फैली हुई है कहाँ? अजमेर में। और सर्वाधिक कहाँ फैली हुई है? उदयपुर में फैली हुई है। ठीक है गैज, ठीक है गैज। अब उत्तरी अरावली में सांभर झील के उत्तर की औसत और प्रमुख चोटियों को लेकर के, मध्य अरावली को लेकर के, दर्रों को लेकर के चर्चाएं करेंगे अगले वीडियो के में। तो तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जाकर के अपना अवेलेबल फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।